बानी पीटीआई की मुबैना सहूलतकारी के इल्जाम में तहवील में लिए गए साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल जफर इकबाल को रिहा कर दिया गया। जफर इकबाल गुज़िश्ता रोज सुपहर अचानक अडयाला जेल के करीब अपनी रिहाइशगाह पहुंचे। जफर इकबाल के घर पहुंचने पर लापता असिस्टेंट नाजिम शाह की फैमिली ने भी मुलाकात की। जफर इकबाल ने फैमिली से मुलाकात में नाजिम शाह के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। जेल में बानी पीटीआई की मुबैना सहूलतकारी के शोबे में अडयाला जेल के मजीद दो अफसरान से पूछताछ शुरू की गई। इन अफसरान में अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जफर इकबाल और असिस्टेंट नाजिम शामिल थे, जबकि दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे। साबिक आईजी जेल खानाजात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग भी घर पहुंच गए और उन्होंने हिरासत में लिए जाने की खबरों की भी तर्दीद कर दी है।